आज ही का दिन हमारा शादी हुआ था, 7 साल हो चुका है हमारा शादी को। आज बनने वाली है चिकन आयो। हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे नया वीडियो में। तो आज भी आ गया हम लोग ये बनाने के लिए। परसों खत्म नहीं किया था, आज अच्छा से बना के रख के जाऊंगा। नेक्स्ट वीक शायद दान सीड्स लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा कोट दिया है मिट्टी को ऐसा करके। मेरी वाइफ बहुत सारा रूट से आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो छोटा छोटा घास होता है ना, यहाँ का घास का रूट्स बहुत ज़्यादा है, तो ये सब फेंकना पड़ेगा। फेंक के अच्छा बना के धान का सीड्स, धान का बीज डाल दूंगा। अच्छा से बना के रेडी करके रख दूंगा, नेक्स्ट वीक डालूंगा। हवा भी देखो बहुत आता है, तो पैर को जो है ना, कितना बजी हुआ है, सुबह से मैंने आके 12 बजे होने वाला है। सुबह से मैंने आके ये सब अच्छा से कोट दिया है और खाना खा के आके हम दोनों ने थोड़ा सा ये रूट्स फेंक दिया है घास का। देखो ये हो गया है इस साइड का, अभी इस साइड का बाकी है। अभी हम लोग भी चला जाऊंगा रेस करने के लिए, क्योंकि अभी 12 बजे होने वाला है। थोड़ा सा काम करके चला जाऊंगा, फिर अगर मन हुआ तो शाम को आऊंगा। अगर काम करने का मन नहीं हुआ तो शाम को नहीं आऊंगा, घर में काम करूंगा, घर का काम यहाँ पे नहीं आऊंगा। अभी मैं भी जल्दी से थोड़ा खोद देता हूँ मिट्टी को। बारह बजी हो गया है, तो अभी हम लोग भी थोड़ा सा रेस करने के लिए आ रहा हूँ। रेस करके बाद में फिर दोपहर को 2 बजे उठ के दूसरा काम करूँगा। ख़त्म नहीं हुआ है वो भी, लेकिन मैंने नहीं रखा है, आपने रखी हुई है। मैंने देखा था जब मैं वहाँ पे था ना, तब मैंने ये पानी जो है ना बॉयल करके ठंडा करने के लिए रखा हुआ था यहाँ पे। तो अभी हाथ पैर धो के थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। 12 बजे हो गया है, तो बाद में देखूँगा क्या काम करना है। और थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ फ्लावर, ये देखो बहुत खूबसूरत से निकला हुआ है, 2 सेम है ये। बस इसमें भी एक ही और इसमें भी एक ही निकला हुआ है। ये बीन्स घर देखो, पूरा ये हमारा घर के अंदर में ये सब जो आग जलाई थी ना, वो सब हवा की वजह से, क्योंकि ये बस नीचे का बंद करके गया हुआ था, ऊपर का ऐसा ही खोला रख दिया था खोल के। ये सुअर के लिए खाना बना के रखा हुआ है। अभी हम लोग भी बस रेस्ट करूँगा, दरवाज़ा खोलते ही सब मुर्गी आ जाएगा खाने के लिए। देखो 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 दरवाज़ा खोलते ही देखो शिक सब आ गया घर पे। उन लोगों को अभी देना पड़ेगा, नहीं देने से ऐसे ही रहेगा वो लोग घर के सामने में आके रहेगा। ओहो कपड़ा भी सब गिर गया हवा की वजह से। वो देखो 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 हा। उन लोगों को देना पड़ेगा चावल, घर के अंदर में देता है उन लोगों को, तो बाहर में खा नहीं पाता है। जो घर की लोकल है ना, वो डिस्टर्ब करके खाने के लिए नहीं देता है।
चौथा वाला भी है तो उन लोगों को भी देना पड़ेगा। अभी लेके चलता हूँ, सब घर पे है ये सब भी, जो लोकल है ना ये सब भी घर पे है। बू बू बू। ओ, उन लोगों का भी खत्म हो गया है। खाओ खाओ खाओ, मुर्गी बच्चा निकला। आहा, ये छोड़ के यहाँ पे एक और वहां पे दो है, ऐसा क्यों? पहले ये बंद कर देता हूँ। और इसमें जो है ना दो अंडा का, ओ सॉरी, दो मुर्गी का अंडा है इसमें, तो वो सब अलग करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे क्यों ऐसा दो? ओए ओए जाओ, ओ अच्छा अच्छा जा, वहाँ पे जाओ ना, वहाँ पे जाओ। ये बच्चा निकल चुका है तो ये सब देखो, बाद में शाम को निकालूंगा बच्चा बाहर में, अभी ऐसा ही रहने देता हूँ क्योंकि अभी ठीक से हुआ नहीं ये। हाँ, इनका जो है ना वहाँ पास में है, क्यों ऐसा करता है? जाओ, खुद का देखता नहीं दूसरा में आ जाता है। उनका जो है ना ये वाला है, पास वाला है, तो यहाँ पे गरम करो ना, वहाँ पे क्यों जाता है? और ये वाला एक बच्चा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसका भी बच्चा निकल चुका है, इसका भी। आहा, ऐसा बंद कर दिया है एक को, दो का बच्चा निकल चुकी है, ये वाला और लास्ट वाला, दोनों का बच्चा निकल चुकी है, तो शाम में बाहर में निकाल दूंगा, अभी तो ऐसे रहने दूंगा। बंद नहीं करने से वो बार बार चला जाती है दूसरे के घर में, दूसरे के बच्चे में। एक मुर्गी को निकाल दिया है, यहाँ पे निकाल के बंद करके रख दिया है, और एक मुर्गी है उनको भी निकाल दूंगा। इनका जो है ना बच्चे 10 है, मुर्गी बच्चे, और एक है उनको भी निकाल दूंगा। अभी 2-3-4 बाकी है। हाँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से अच्छा है निकालने के लिए, ये सेंटर में है। बच्चा को देखो कितना क्यूट है, पीपी। अभी निकाल देता हूँ, मैं बाबा हूँ आप लोगों का। मामू रख जाओ, वाटे तरफ दा, वाटे देखो निके चंगा दे, ये सब पकड़ो ना, ऐसा पकड़ो, अंदर में है, पैसे मंगा, देखना पड़ेगा। पांच हो गया, बिची रंग से बड़े देता कौन बामा प्यान। अब आप तो मैया बिची मंग से, हाँ एक तो गिर गया, इसमें भी 10 है, बच्चे जो है ना इसमें भी 10 है, तो वो वाला में भी 10 बच्चे हैं और इसमें भी 10 है, तो अभी बंद कर देता हूँ।
आ जाओ। सब मुर्गी आ गई। तो बंद करके रख दूंगा थोड़ी टाइम के लिए, मतलब एक हफ्ता दो हफ्ता के लिए बंद करूंगा, बाद में छोड़ दूंगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो छोड़ देने से जो है ना मर जाएगा, इसलिए बंद करके थोड़ा बड़े हो जाने के बाद छोड़ दूंगा। ये आज खाने के लिए पकड़ा हुआ है। आज 29 अप्रैल है, तो हमारा आज ही का दिन हमारा शादी हुआ था। 7 साल हो चुका है हमारा शादी को। अप्रैल 29 को हमारा शादी हुआ था, तो आज अप्रैल 29 हो गया है। 2017 में शादी हुआ था हमारा, तो शायद 7 साल हो गया है हमारा शादी को। हमारा गाय वहाँ बांध के रखा हुआ था, गाय नहीं बैल, वो यहाँ पे आ गया है, तो उनको बांध देता हूँ मैं फिर से। शाम होते ही चिड़िया हल्ला करना स्टार्ट हो जाता है, शाम और सुबह। आप लोग सुन रहा है ना आवाज़, देखो कितना खूबसूरत है चिड़िया का आवाज़। तो मैं उनको बांध देता हूँ। दूर में लेके नहीं जाऊँगा, यहीं पे बांध देता हूँ। हो मुझे ही वो लेके जा रहा है। हो आया 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 इतना आहा वहाँ पर एक बड़ा वाला भी चला गया है, वो भी लाना पड़ेगा। पहले ये बांध देता हूँ, वहाँ पर से लेके आऊँगा, वरना फिर से नदी पार करके चला जाएगा वो लोग नहीं लाने से। ये यहाँ पर बांध के लेने के लिए जाऊंगा। मैंने गाय को बांध दिया है, वहाँ पे बांध दिया है, एक गाय और एक बैल वहाँ पे बांध के अभी आ रहा हूँ। और यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे एक काला, उनको भी बांधना पड़ेगा, और वहाँ पर एक बांध के रख दिया है। हमारे घर जो है ना, किधर है हमारे घर, ये हमारे घर है, तो ये भी बांध के रख दूंगा। शाम हो गया है, पूरा ज़्यादा खेत में भी घास निकल गया है, देख सकते हैं पूरा जंगल जैसा हो गया है। तो हाल मारने का टाइम थोड़ा तकलीफ होता है ऐसा ज़्यादा घास होने से। और ये घर है अंकल आंटी का। पूरा घास हो गया है ज़्यादा, तो अभी मैं भी ये एक बेल बांध के चला जाऊंगा। कारे नहीं है हमारे घर पे चला गया है, आज बनने वाली है चिकन। आयो इतना गर्म हो गया था तेल। चिकन चिकन बना के खाऊंगा, तो शायद आज बहुत दिनों के बाद हम लोग चिकन खाने वाले हैं। हाँ करण नहीं है, करण चला गया है। अगर करण होता तो मैं आप लोगों को हमारे घर वहाँ पे जाके दिखा देता, थोड़ा दूर में जाके हमारे घर कैसा दिखता है रात को। लेकिन करण नहीं है, करण चला गया है। यहाँ पर मसाला सब दिया हुआ है। ये भी एक चूल्हा है, ये बड़ा वाला, यहाँ का लोग ऐसे चूल्हा बना के यूज करते हैं, तो हम लोग भी ऐसा बनाया हुआ है। बारिश गिरने का टाइम पे और ठंडा का टाइम पे बहुत अच्छा होता है ये, क्योंकि बड़ा चूल्हा है, तो यहाँ पे 3-4 आदमी बैठ सकता है साथ में साइड में, तो उस टाइम अच्छा होता है।
और ज्यादा खाना सब्जी पकाते टाइम भी अच्छा है। और ये चूल्हा हमारा गांव गांव का जैसा, हमारा गांव में आसाम में ऐसा चूल्हा बना के यूज करते हैं। तो ऐसा भी बनाया हुआ है और ऐसा भी बनाया हुआ है, तो बाद में ये यूज करूँगा। तो अभी थोड़ा गर्म है, गर्म के लिए ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि आग ज्यादा नहीं निकलता है इसमें आग जलाने से। इसमें हाँ लकड़ी भी बहुत कम लगता है इसमें जलाने से, खाना सब्जी पकाने से। और इसमें खाना सब्जी पकाने से जो है ना लकड़ी बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत गर्मी भी होता है, तो उसकी वजह से ये छोटा वाला बना के रखा हुआ है। अभी शायद एक महीने जैसे इसमें यूज़ करूँगा, बाद में यहाँ पे आ जाऊँगा। और ठंड के मौसम में अच्छा है यहाँ पे। और जो लकड़ी भी बहुत बड़ा बड़ा है, हाँ बड़ा बड़ा, यहाँ पे जलाना पड़ेगा, इसमें नहीं आएगा बड़ा लकड़ी, एक ही काफी हो जाएगा यहाँ पर। अभी मैं वाइड एंगल में वीडियो नहीं बना रहा है, वाइड एंगल में बनाने से अच्छा था, लेकिन रात को जो है ना वाइड एंगल में इतना आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखो ऐसा थोड़ा अंधेरा दिखता है, इसकी वजह से मैं ये नॉर्मल में बनाता हूँ। तो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। दोस्तों हो गया है हमारा चिकन, अभी खाना खा लेता हूँ। ये है स्क्वॉश का पत्ता, स्क्वॉश का पत्ता बॉईल किया हुआ है, और चिकन देख ही सकते हैं आप लोग, जोर से भूख भी लग रहा है। मैं खाना खा लेता हूँ और वो भी खाना खाने के लिए निकल रही है। हम लोग भी खाना खा के सो जाऊंगा। 7 बजे 8 बजे होने वाला है, तो चलो खाना खा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।